यार मेरे साथ ना अक्सर एक बात होती है, जब भी मैं गांव में रहता हूँ तो यूजुअली मैं चाहे रात में कितना भी बजे सोऊं, लाइक 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, मैंने देखा कैमरा यूज। मॉर्निंग में एकदम 5 o'clock मेरी नींद टूट जाती है, बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 6 बजे। लेकिन वही मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ पे 7 बजे 8 बजे तक नींद खुलती है, और पता नहीं ये मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। कौनो बात ना सूख जाइए। अरे देखो ना यही जी मूसा। यार मेरा ना बहुत दिन से लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा था, और वैसे भी अगर गांव आओ और वो भी बिहार में अगर आपका घर हो तो, और लिट्टी ना खाओ तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैं और अभिषेक प्लानिंग किए कि कहाँ पे चल के खाए, क्योंकि उससे पता था एक जगह जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस लिट्टी और चोखा देता, वो भी एक पीस सिर्फ 5 रुपये का, तो बहुत मतलब मिनिमम है। और ये जगह मेरे घर से बहुत पास में है तो मैंने भी सोचा कि ठीक है चलते हैं यार, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है। अभी कुछ बहुत खास टाइम भी नहीं हुआ था, नॉर्मली 7:30 करीब हो रहा था, 7:30 ही हो रहा था, फिर भी देखो यहाँ पे कितने सारे बाइक लगे, लोग पहले से ही आके खा रहे थे। मतलब ये बात गांव में एक अलग ही मज़ा है कि आप, आपका नींद खुला और आप जो चाहे जो खा सकते हो। तो हमारा लिट्टी चोखा, और चोखा के साथ एक चटनी मिंट की, और उसके बाद मूली का और प्याज का सैलड। तो अभी हम टेस्ट करें। मेरे हाथ में प्रॉब्लम मेरा है कि मेरे हाथ पे कैमरा है तो मैं खुद को नहीं रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ अभी सबको। लिट्टी खाने के बाद बहुत टेस्टी लग रहा था, मतलब अप टू द मार्क था, बढ़िया था। हम बोले सब ठीक बा, चोखा बा, लिट्टी बा। मेरे घर पे पिछले 40 साल से हर एक दिसंबर से लेकर फरवरी तक जैसे आप मूर्ति बनते हुए देख रहे हैं, ये होते आ रहा है कंटिन्यू, और बहुत मज़ा आता सरस्वती पूजा में। पहले तो छोटे थे जब 10th पे थे तो यहाँ पे हम लोग का एक मूर्ति फिक्स रहता था कि वो हम लोगों को चाहिए, मिसरी फ्री में देते थे, पैसा नहीं लगता था उसका। लेकिन अब मतलब उतना टाइम भी नहीं मिलता, और यहाँ गांव में मैं रहता भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे पहले अभी बहुत उसको लकीली जो यहाँ पे मिल गया मुझे देखने धान का। का पुआर होता है उससे इसको बनाया गया, फिर यहाँ पे ये, और अभी मतलब 50% बना हुआ है, 50% बाकी है, और वहाँ पे जो मिस्त्री है वो अभी बना रहे इसको। नाम कहा रहा मिस्त्री तहार? राम रतन। पूरा नाम? राम रतन पहिल का लुंडा। तो ये एक तरह से मान लीजिए इनके असिस्टेंट है, और मेन मिस्त्री ये है यहाँ पे। और अभी हम लोग एक बहुत अच्छा सा मुंह का नक्शा बनते हुए देखेंगे, लाइव प्रूफ। माटी के खूब बढ़िया सानी आसान के पूरा के आंखों रोको निकाल के आंखों निकाल के सब चेहरा बनाई। चेहरा बनाना के बाद में एगो बरस होला, बरस ले ली आ बरस से खूब बढ़िया सफाई करी। ओकरा बाद में कलम एगो लगी, कलम से आँख उख साफ कर दी, आँख उख साफ कर के आ नाक में छेद कर दी छाती से। एक प्रक्रिया ये बा यही बने के चाहिए। बहुत यहाँ पे पिछले 24 साल 25 साल से मिस्त्री का, कितना साल हो गए, 20 साल 25 साल हो तो ही, मैंने ऐसे बेसी ये हो तो ही, हमारा जन्म से पहले के बाद 40 साल। ओ माय गॉड, 40 साल। हमारा देखिए बुझा तो लगा कि मात्र 20 24 साल, जन्म के बहुत पहले, बहुत पहले से। हाँ तो आप समझ जाओ हाफ सेंचुरी लग गया होगा अभी तक, मान लीजिए 40 साल कम थोड़े भइल। तो आप
ये जो देख रहे हैं इनको आप साधारण मत समझिए, 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको मूर्ति बनाने में, और वहाँ पे जो लड़का है उसको 4 साल का एक्सपीरियंस है। राम रतन, बहुत ही बारीकी का काम है, सब किसी का बस का बात नहीं है। ये मान लीजिए भगवान का दिया हुआ एक कला है ना मिस्त्री, कहाँ सबको बना पाएगा, जो सीखता वह बनाता जितना साल से बनाता। तो बनाओ ना जी, हम खूब बढ़िया रिकॉर्ड करे नहीं। छोटू कुछ मोबाइल नोट बन वही पर भेज दिया, वही पर भेज दें, वही पर भेजते पर हम बातें बनेंगी शाम के बाद हुई सब दिखा देंगे सुबह। यहाँ पे मुंह का जो फ्रेम होता है माटी उसके अंदर से भर के और बहुत अच्छे से उसको मिला रहे हैं ताकि एकदम बारीक नक्शा निकले, और अभी आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ वहाँ पे निकलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल एक चेहरा का कटिंग। यहाँ पे ये सारी मूर्ति बनी हुई है, और ये जैसे इसके ऊपर है यहाँ पे सर लगता है तो इसी के लिए बन रहा है। यहाँ पे ये सारी मूर्ति बनी हुई है और ये जैसे इसके ऊपर है यहाँ पे सर लगता है तो इसी के लिए बन रहा है। बहुत ही मज़ा आता है सरस्वती पूजा में, और इस बार सरस्वती पूजा में आई गेस फरवरी में पड़ा है तो अभी तो बहुत सारा टाइम है गांव में। लेकिन एक बात है, आप चाहे कहीं भी रहो, किसी के घर पे भी जाओगे तो आपको वहां पे मतलब हीटर वाला जुगाड़ मिल जाता है आग तापने के लिए। और अभी मतलब अब तो दिन का मतलब 1 बज रहा है, तब भी देखो लगातार ऐसे ही एक जगह आग जल रहा है। और यहाँ पे अभिषेक कुछ रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन में जो मुझे दिखा रहा स्लो मो, उसका फ़ोन का कैमरा का मतलब तारीफ कर रहा है जो कि सच में अच्छा है। तो जैसे बाहर से हम लोग टहल के हैं, यहाँ पे आग आग तपने के लिए बैठ के थोड़ा देर, तो यहीं पे बात करते करते हम वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।